समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं। रानी अब्बका चौथा उल्लाल की पहली तुलुवा क्वीन थी जिन्होंने 16th सेंचुरी के एंड में पोर्तुगीज के सामने लड़ाई की थी। वो चौटा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी जो कोस्टल कर्नाटका पर रूल करते थे और उनका कैपिटल था पुट्टी और उल्लाल का पोर्ट टाउन उनका सब्सिडरी कैपिटल था। पुर्तगीज लोगों ने उल्लाल को हथियाने के काफी प्रयास किए क्योंकि ये जगह खास थी, लेकिन रानी अब्बका ने 4 दशकों तक उनके सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती रही और उनकी इसी बहादुरी की वजह से उन्हें अभय रानी यानी द फियरलेस क्वीन के जैसा जाना जाने लगा। इतना ही नहीं, वो उन पहले भारतीयों में से थी जिन्होंने बाहर से आकर हमारे देश पर कब्जा करने वालों से लड़ाई की हो और साथ ही कभी कभी उन्हें फर्स्ट वुमन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कर्नाटका और तमिलनाडु में उन्हें रानी कित्तूर चेन्नम्मा, किलाड़ी चेन्नम्मा, रानी चेन्ना भैरा देवी और ओनके ओ बावा जैसी वुमेन वॉरियर्स और पेट्रियट्स की कई तरह मान दिया जाता है। अगर उनकी पोर्तुगीजी के साथ हुई लड़ाई की बात करें तो गोवा पर अपना कब्जा जमाने के बाद उन्होंने साउथ इंडिया पर अपनी नजरें गड़ाई और सबसे पहली नजर उनकी उल्लाल पर ही गई क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के स्पाइसेस पोर्ट था और अरब जैसे देशों में से यहाँ से स्पाइसेस जाते थे और उस समय पोर्तुगीज, डच और ब्रिटिश तीनों ही छोटे छोटे रीजन्स पर अपना शासन जमाना चाहते थे, लेकिन लोकल रीजन्स उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे और उन्हीं में से एक थी रानी अब्बका, जिनके मंत्रियों में जैन्स, हिंदूज और मुस्लिम्स शामिल थे। उन्होंने अपनी देखरेख में मलाली पर डैम का काम करवाया जिसके लिए उन्होंने बियरिस को बुलाया था और साथ ही कलीकट के जैमोरिन के साथ भी हाथ मिला लिया और उन्होंने साथ में मिलकर पोर्तुगीजों को तट पार नहीं करने दिया। उनकी बहादुरी को देखते हुए बंगा डायनेस्टी और बिदनूर के राजा वेंकटप्पा नायका ने भी आगे उनका साथ दिया। उसके बाद 1555 में उनकी और पोर्तुगीजों की बैटल हुई लेकिन रानी अब्बका ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद उन्होंने 1557 में मैंगलोर को अपने हवाले कर लिया लेकिन उल्लाल को नहीं कर पाए। उसके बाद 1568 में पोर्तुगीज जनरल ने युक्ति लगाई और उन्होंने उल्लाल को अपने अंडर कर लिया और साथ ही रॉयल पैलेस पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन अब्बका वहां से भाग निकली और अपने सैनिकों को अटैक के लिए भेजा और उन्होंने पोर्तुगीज सैनिकों को बंदी बनाकर जनरल को मार गिराया। उसके बाद भी बैटल्स होती रही और फिर रानी ने अहमदनगर के बिजापुर सुल्तान के साथ हाथ मिलाया और 1570 में एक बड़ी वॉर हुई जिसमें अब्बका ने अपने पति द्वारा ही धोखा खा लिया और पोर्तुगीज का उन्होंने साथ दिया जिससे वो ये वॉर हार गई और उन्हें कैदी बना लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जेल से भी रिवोल्ट किया और लड़ते लड़ते ही वो शहीद हो गई और आज भी उन्हें लोग एक केयरिंग क्वीन की तरह याद रखते हैं जिन्होंने लोगों के लिए दिन रात काम किया और मरते दम तक लड़ती रही। और ऐसी ही बहादुर वीर रानी की कहानी बाहुबली 3 में दिखाई जाने वाली है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कितनी उम्मीद है इस कहानी से। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियो।